बनाते हैं जो अगर फार्मूला में हो जाता है उसके बाद हमको ऐसे करना है, ठीक है। और हम BE ये हम 5 लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास कोई मेजरमेंट अमाउंट का नहीं है, इसलिए हम ये लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे यह से यह लेंगे, G और F लेंगे, ठीक है। G और F इक्वल टू 1/4 अप, तो क्या होगा 8 होगा प्लस हाफ होगा। और सीम्स हम यहाँ पर फार्मूला में रखा है, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो मैंने जो हाफ इंच जो लिया इसके अंदर एक दो सूतों तीन सूतों में सीम्स हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं रखेंगे हम। आप क्या कर सकते हैं 1/4 अप बास प्लस हाफ इंच प्लस मैंने एक गोल करके यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि आप आपके मनपसंद के सीम सब ले सकते हैं, हाफ इंच और हाफ इंच के भी काम आप ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये रखा है। और सी डी मतलब है वेस्ट, ठीक है। और वेस्ट का 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस हाफ इंच प्लस मैंने सीम्स के लिए रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं है, इससे फिटिंग्स अच्छा होगा। अगर आपको कोई पूछे जो मेरे को लूज बनाना है तो ये आप कर सकते हैं थोड़ा सा सीम्स लेकर। और एसी क्या होता है, एसी होता है फुल लेंथ प्लस हाफ और 1/3 और प्लस 1 इंच आप ले सकते हैं। ये आपका जो स्टिच करने के लिए जो कारीगर होता है ना, वो कैसे सीम्स लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को अगर फुल लेंथ जो है वो बनाना है, फुल लेंथ 13 है, 13 बनाना है। कैसे बनाना है, जो सीम्स अगर ज़्यादा लोगे तो आपको स्टिच करने के वक्त आपको वो सीम्स में डालना पड़ता है, तो सीम्स हो जाता है उसमें। और स्लीव्स हम दिखाएंगे, ये जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स का जो फार्मूला मैंने रखा है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके रखा है, और 5 और 6, ये आप पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद ये फार्मूला आप देखिए, इससे और इसके लिंक होगा 1 और 2, ठीक है। कैसे होते हैं 1/4 ऑफ चेस्ट माइनस 1 इंच और 2 इंच, ठीक है। तो ये जो मैंने रखा है यहाँ पर, देखिए मेरे कैमरा को यहाँ पर ले रहा हो, 1 और 2 आपको ये दिख रहा है, ये पर फोल्ड चिन्ह है यहाँ पर। और इधर से आपको कैसे हमको मेजरमेंट लेना है, तो इसलिए एक फार्मूला है उसका 1/4 ऑफ चेस्ट माइनस 1 और 2 इंच। और ये हमेशा ठीक नहीं होता है फ्रेंड, तो क्योंकि किसी का आर्म होल ज़्यादा हो जाता है, किसी का आर्म होल छोटा हो जाता है, तो इसलिए इसका भी चेंज करना पड़ता है आप लोगों को। तो चेंज कैसे करेंगे, तो क्योंकि बेसिक आपका जो फार्मूला है ना, वो आपको याद में ध्यान में रखना चाहिएगा, जो क्योंकि या जो मैंने अगर 32 साइज का कोई ब्लाउज अगर बनाया है तो या आर्म होल होगा अपना 8 होगा, 8 यानी कि 16 होगा, तो ठीक है। तो ऐसे अगर आपको ये जो फार्मूला में अगर आपको 19 आ रहा है तो आपको कम करना होता है, तो ये नॉलेज आपको रख कर ये बनाना पड़ता है। ये जो है बेसिक फार्मूला है, 99% जो इसके मिल जाता है, और 1% आपको ज़्यादा अच्छा करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर चेंज करना पड़ता है। यानी कि ये 100% ही सही है, इसका कोई इधर उधर नहीं होगा, एकदम 100% सही है, मगर उससे भी आपको अच्छा करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमाना पड़ता है फार्मूला को। और हम उसके बाद लेंगे 1 और 3, यानी कि स्लीव लेंथ प्लस 1 और 3, ठीक है जी, 1/3 और 1 इंच लेंगे, ठीक है। ये जो फुल लेंथ जो स्लीव्स का फुल लेंथ होता है, इसका हम लेंगे इधर से सीम्स, इधर से सीम, इसलिए हमने 1/3 ले सकते हैं और 1 इंच आप ले सकते हैं। और 2 और 5, टू ये बहुत ही वाइटल प्लेस है यहाँ पर, 2 और 5 ये बहुत ही वाइटल प्लेस है, इसको मैं बता देता हूँ। तो 1/8 ऑफ बास्ट, ठीक है, 1/8 ऑफ बास्ट माइनस 1.5 और आप हाफ इंच कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना पड़ता है आप लोगों को, कैसे करना है हम तो बाद में दिखाएंगे। पैटर्न अब बनाना है तो ये चीज़ आपको साइड में रख कर मेरे जो पैटर्न में बनाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद में, तो ये आपको रख कर हमको हम जो पैटर्न बना रहा है उसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको लेफ्ट में रख लेना,
और एक हम दे थ्री और सिक्स, थ्री और सिक्स फ्रेंड ये देखिए, थ्री और सिक्स इसका होता है स्लिप राउंड, जो क्या होता है मैंने स्लिप लेंथ तो यहाँ पर रखा है और राउंड 12 रखा है, यानी कि सिक्स एंड हाफ होगा, हाफ इंच सिक्स में चला जाएगा, छः छः यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है, सिक्स और सिक्स 12 हो जाएगा। तो यही है प्रिंसेस कट जो बैक पार्ट का फार्मूला होता है ना, ये बैक पार्ट का फार्मूला है, और जो प्रिंसेस कट ब्लाउज का जो फ्रंट जो पार्ट होता है, तो फ्रंट पार्ट में हम कई सारा ये मेजरमेंट हमने रखा है, तो इसके लिए कौन कौन मेजरमेंट आपको चाहिए मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आप लोगों को, जो मेरा जो मेजरमेंट है ये जो आप देखें इसका, ये हम एरो चिन्ह करके रखा है, इसको कहते हैं मेरा मेजरमेंट में देख लीजिए, थोड़ा सा एक तो अलग होगा मेरा मेजरमेंट, क्योंकि इसमें आप करोगे तो फिटिंग्स अच्छा होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका जो हम इस लेंथ कहते हैं, जो आपका ये जो बास्ट है, तो बास्ट का नीचे पोर्शन है, जो हम लोग चोली कट में जो एलिट लगाता है ना, उसके सीधा पोजिशन से हम एक मेजरमेंट लेंगे, बहुत बहुत ही वाइटल ये मेजरमेंट है फ्रेंड, तो एस लेंथ उसे हम कहते हैं, उस मेजरमेंट को चाहिए हम लोगों को मेजरमेंट करने के लेंथ, सपोज मैंने 10.5 नहीं 10 हम रखेंगे मेजरमेंट, ये हम आइडिया करके एक मेजरमेंट लिखा है यहाँ पर, और क्रॉस पॉइंट 8 है, और क्रॉस पॉइंट मतलब ये जो ब्रेथ होता है इसका 8 होगा, और इसका हाइट से मतलब शोल्डर से आप मेजरमेंट लेंगे तो 9 होगा, ठीक है फ्रेंड। और आपका रिमेनिंग बैक पार्ट का रिमेनिंग ऐसे हम लेते हैं 4 इंच लेते हैं, और ये जो हमने मेजरमेंट करने के वक्त मैंने दिखा है, जो इस तरह आप मेजरमेंट ले सकते हैं, इस तरह भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दिखाएंगे जी, ये जो आप देख रहे हैं प्रिंसेस जो फ्रंट कार्ड है, पहले आपको जे और बी इसका हमने जो मेजरमेंट जो क्रॉस लेंथ जो शोल्डर से हम मेजरमेंट लेते हैं क्रॉस पॉइंट का, ये इसका क्रॉस पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे जो 8 हमने जो ब्रेथ किया क्रॉस पॉइंट का, जो ऐसे हमने दिखाया था मेजरमेंट में, वो 8 होता है, उसका 4 होगा, ठीक है। तो 4 यानी कि मेरे को ये पॉइंट मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट से हम एक डार्ट देंगे, ठीक है। और एलिट हमने मेजरमेंट पहले से ले चुका हूँ, मेरा जो एस लेंथ उसका 10 है मेरा एस लेंथ का, तो के और या से जो एन होगा, तो हम के इसी को नाम देते हैं, ये पॉइंट आपको करना पड़ता है यहाँ पर, तो के और के यानी कि 10 होगा, 10 आपको पैटर्न कैसे लेना है, 10 कैसे बनाना है हम बाद में दिखाएंगे, तो हम सिर्फ समझिए इस बात को। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो डार्ट होता है, डार्ट एलिट के बराबर आपको लेना पड़ता है, ये जो मिडिल पोजीशन है 4 का है मेरा, यहाँ से 4 और यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, ठीक है। उसके बाद ऐसे सीधा करना है आप लोगों को, जितना कपड़ा है उतना भी सीधा करेंगे हम। उसके बाद हम देखिए ये जो मेजरमेंट आप देख रहे हैं, ये और ये पॉइंट है, सी सी और आर मेरा बेसिक पैटर्न है, माने जो ये जो मेजरमेंट होगा और ये मेजरमेंट सेम है, ठीक है, सेम एज होगा, और मैंने बाद में दिखाएंगे कैसे पैटर्न कटेंगे, आप ज़्यादा सीख जाओगे उसके बाद। आर सी सी और ये मैंने एक्स्ट्रा मेजरमेंट लिया है एन, और इस तरफ भी मैंने एस आर से एस बनाया है एक्स्ट्रा लेकर, और ऊपर में टी मैंने एक्स्ट्रा बना रखा है यहाँ पर, और आर्म होल यहाँ पर मैंने शेप दिया है, जो मैंने बोला था जो फिटिंग्स के लिए अच्छा होता है इसको, तो ऐसे बनाना पड़ता है इसको। अब हम दिखाएंगे तो कैसे हम पैटर्न करते हैं, ठीक है, और हम लेआउट हम तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है, पैटर्न करने के बाद जो पैटर्न होता है ना, उसका हम कपड़ा में कैसे डालते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम जब डालते हैं उसे लेआउट कहते हैं, ठीक है, और ड्राफ्टिंग और